अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको मेरे चैनल की सारी नई वीडियो अपडेट मिलती रहें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मिलेगी 2 अतिरिक्त साड़ी। लखनऊ प्रदेश सरकार ने पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2 साल में 2 अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला किया है। इसके लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने नेशनल न्यूट्रिशियन मिशन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 27,79,48,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार के द्वारा और खबर निकल के आ रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगाया गया सहजन, बांटा गया पुष्टाहार, ये है प्रयास। अभी प्रयास या गाजीपुर ने संवाददाता गाजीपुर से खबर निकल के आ रही है। तो प्रयास क्या है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं सहजन का पौधा। सहजन का मतलब हो आप कभी कहीं पे लोग इसको सहजन के नाम से जाना जाता है, सहजन बोला जाता है, तो सहजन का पौधा है जो केंद्रों पर लगाया जा रहा है। कार्यकर्त्रियों को कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने की जानकारी दी गई। तो खबरें आइए विस्तार से हम आपको बता देते हैं कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से कुपोषण मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जबकि शासन की ओर से कुपोषण के खिलाफ जंग जीतने के लिए हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र और प्रसिद्ध विद्यालयों में पोषण वाटिका भी लगाई जा रही है। पोषण वाटिका में न सिर्फ सहजन का पौधा होगा लगेगा बल्कि केला, नींबू, करी पत्ता, बेर, आंवला, अमरूद और मौसमी सब्जियां भी लगाई जा रही है जो पोषण स्तर में बढ़ोतरी का काम करेंगे। ये सारे पौधे हैं जो पोषण स्तर के को बढ़ावा देंगे, उनके बढ़ोतरी में काम करेंगे। जैसे पोषण से काफ़ी से नींबू है, करी पत्ता है, बेर है, आंवला है, अमरूद है, ये सारी सब्जियाँ। आंवला अमरूद के तो बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, तो ये सारी सब्जियाँ, ये सब्जियाँ नहीं है तो फल के रूप में हो जाते हैं बड़े बड़े, जो लेकिन इन केंद्रों पे लगाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे ने बताया कि जिले में 3,080 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। इन केंद्रों पर अब अगर जगह उपलब्ध हुई तो कम से कम एक सहजन के पौधे को जरूर लगाएंगे, जरूर रोपित करेंगे। करीब 2,269 प्राथमिक विद्यालय संचालित है, इनमें जगह मिलने पर पोषण वाटिका अवश्य लगाई जाएगी, जिसमें मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल सके। जगह की कमी होने पर घर में प्लास्टिक के टूटे बर्तन में मिट्टी डालकर, लौकी, कद्दू, भिंडी आदि उगा सकते हैं। यह सब्जियां केमिकल से पूरी तरह मुक्त रहेगी और इनमें भारी मात्रा में पोषक तत्व भी मिलेगा। इन सब्जियों के सेवन से बच्चों का शारीरिक विकास भी होगा। और आगे एक खबर और मैं आपको बता देती हूँ। ये खबर है निकल के आ रही है आंगनवाड़ी केंद्रों में बटा भोजन और नाश्ता। तो ये पारसिया की खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन नाश्ता मिलना शुरू हो गया है। वहाँ सोमवार नगर आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन और नाश्ता भेजा गया है। कोविड के चलते आंगनवाड़ी केंद्रों में सूखा राशन दिया जा रहा था, जहाँ सोमवार से पुरानी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। स्वयं सहायता समूह मध्याह्न भोजन बनाकर केंद्रों को भेज रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है वहाँ की कि वहाँ पर भोजन बनना शुरू हो गया है। और एक आगे खबर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक खबर और निकली कि टीकाकरण कोविड लोग को लेकर आंगनवाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम, इसमें है चंदा मेटा परसिया की खबर है कि आरएनएन केंद्र द्वारा शनिवार में पूरे देश में कोविड-19 को लेकर टीकाकरण की शुरुआत की गई है। वहीं टीकाकरण को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है। इस उद्देश्य को लेकर चंदा मेटा वार्ड 13 आंगनवाड़ी में जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु सभी को प्रेरित भी किया गया है। वाइट टीकाकरण के चरणों में लगाया जाएगा।
इस अवसर पर आवश्यक दस्तावेज लाने के बारे में विस्तार समझाते हुए ये काम 18 से कम उम्र की गर्भवती माताओं को वैक्सीन न लगाने के बारे में बताया गया है। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, यह हमारी मानती सिंह हैं जो हैं, ये आंगनवाड़ी बहनों के साथ इन्होंने भोजन किया है। ये कहाँ की है, ये प्रोफाइल फ़ोटो आपको दिख रही है, ये तमाम प्रोफाइल फ़ोटो हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इन्होंने भोजन इनके साथ मिलकर ग्रहण किया है सामूहिक विवाह में। तो यहाँ पे देखिए सामूहिक विवाह दिखाया गया है, सामूहिक विवाह में ये बहनों के साथ मिलकर इन्होंने भोजन भी किया साथ में। तो ये खबर विस्तार से थोड़ा आइए मैं आपको बता देती हूँ। एक खबर यहाँ पे और निकल की कारकतरिया नर्सरी तैयार करने में सहयोग करेंगी। तो ये है नाथनगर हिंदुस्तान संवाददाता से है, इसमें जो आंगनवाड़ी कारकतरिया प्राइमरी की नर्सरी तैयार करने में सहयोग करेंगी। यहाँ पढ़ने वाले छात्र प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला लेंगे। ब्लॉक संसाधन केंद्र नाथपुर शुक्रवार से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रशिक्षकों को स्टेशनरी का वितरण किया गया और प्राइमरी कक्षाओं के महत्व संचालन के गुर भी सिखाए गए हैं। तो शासन के निर्देश पर बीआरसी नाथपुर में शुरू हुए प्रशिक्षण के प्रथम चरण 45 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें ननिहालों की बुनियादी क्योंकि उन्हें प्राइमरी की नर्सरी तैयार करनी है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें नर्सरी तैयार करनी है जिसमें नौनिहालों को बुनियादी शिक्षा मजबूत हो सके। इसके लिए प्री प्राइमरी का संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ती अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वहन करते हुए बच्चों को बौद्धिक क्षमता विकास के साथ योग्य बनाए, जिसमें बच्चों की प्री प्राइमरी बच्चों में शारीरिक बौद्धिक सामाजिक और भावनात्मक रचनात्मक विकास की दिलचस्पी उत्पन्न हो सके। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।